बैक टू आवर चैनल और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने यहाँ वेरियंस एनालिसिस में मटेरियल वेरियंसेस, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से ही पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरियंस एनालिसिस को एक्सप्लेन किया है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए एक बहुत ही बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था, जिसमें कि जितने भी वेरियंस रिवाइज्ड होते हैं उस क्वेश्चन में हर वेरियंस रिवाइज हो रहा। अब मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें कुछ वेरियंस रिवाइज होंगे और कुछ वेरियंस रिवाइज नहीं होंगे, सो दैट कि आपको जो क्लियरिटी है वो भी हो जाए और एक क्वेश्चन है उसको किस तरीके से फीड करें, उसकी टेबल किस तरीके से बनाएं, ये भी हम समझ पाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ फैक्ट्री इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट यूजिंग टू ग्रेड, दो ग्रेड का प्रोडक्ट है जिसमें मटेरियल ए और मटेरियल बी 3:2 के रेशो में लगाया जा रहा है, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो 3:2 का है ए और बी में, मतलब ए प्रोडक्ट लगाऊं और बी प्रोडक्ट लगाऊं 3:2 में तो मेरा एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। द स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेशो दिया हुआ है, उसके बाद उनका प्राइस दिया हुआ है। ए मटेरियल खरीदेंगे तो वो 3 रुपीज पर यूनिट मार्केट में मिलना चाहिए और जो बी है वो 3 रुपीज पर यूनिट मिलना चाहिए, यानी कि हम अपनी टेबल को लगातार तैयार करते रहें, यानी कि सेलिंग प्राइस 4 रुपए और 3 रुपए स्टैंडर्ड प्राइस, नॉट सेलिंग प्राइस, कंफ्यूज नहीं होना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपए और 3 रुपए दी हुई है। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस, यानी कि जितना गुड्स आप स्टैंडर्ड में लगाएंगे, अभी नहीं निकाला, निकाल रहा हूं मैं, उसका 10% लॉस इन वेट होगा, वेस्टेज हो जाएगा। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल इट वाज नॉट पॉसिबल टू यूज स्टैंडर्ड मिक्स, वो कह रहे हैं स्टॉक की शॉर्टेज है, मटेरियल की शॉर्टेज है, तो जरूरी नहीं है कि हम इस तरीके से मेंटेन कर पाए, लेकिन लॉस जनरली 10% है, मतलब स्टैंडर्ड तो ये कहता है लेकिन एक्चुअल में हम वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन लॉस 10% ही होगा। तो इन्होंने कहा है एक्चुअल में हमने लगाई 280 यूनिट ए की और 120 बी की, तो ए भी लगा दिया बी भी लगा दिया। इनका प्राइसेस भी दिया हुआ है 3 रुपए 80 पैसे और 3 रुपए 60 पैसे। देखिए आराम से प्रॉपर क्वेश्चन में, हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस था, हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है, हमारे पास एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, यानी 1060, यानी टेबल को पहले से तैयार कीजिए, टेबल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, जितने भी मटेरियल हैं ए बी सी जितने भी, उनको इस तरीके से बनाइए, सो दैट कि हमें जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे वो उन क्वेश्चन में लिखते रहे, सो दैट कि हमारी टेबल तैयार होगी। जब एक बार टेबल तैयार होगी तो हमें केवल फार्मूलाज होने चाहिए, फार्मूलाज क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई करी, टोटल एक्चुअल कॉस्ट मेरे पास अवेलेबल है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है, और उन्होंने मुझसे कहा कि 10% नॉर्मल वेस्टेज है, तो इसमें 10% वेस्टेज है, यानी 400 का इन्होंने कितना कहा हुआ है, नहीं इसमें तो बताया हुआ एक्चुअल प्रोडक्शन 364 है, कितना प्रोडक्शन है 364, एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है 364, तो 400 में से 364 हटा दीजिए तो 36 यूनिट का हो गया है मुझे लॉस, एक्चुअल में लॉस, यानी कि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 364 यूनिट, यानी कि मैंने लगाई 280 120 यानी टोटल लगाई 400, जिसमें से एक्चुअल में 36 यूनिट वेस्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने बताया एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है, अब प्रोडक्शन दिया 364 लगाई 400, इसका मतलब 36 वेस्ट हो गई। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ और मेंशन नहीं किया गया है, केवल वेरियंस निकालने के लिए दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें इसी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। भाई स्टैंडर्ड तो कहता है 3:2, तो हमने एक्चुअल में लगाई 400 यूनिट, तो स्टैंडर्ड यदि 3:2 कहता है तो 400 यूनिट को 3:2 में मैंने डिवाइड कर दिया, यानी एक्चुअल क्वांटिटी 400 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हम 400 मानेंगे और इसके बेस पर 3:2 में हमने इसको डिवाइड कर दिया, जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो हमने अपने लिए स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 240 यूनिट लगनी चाहिए 4 रुपए की रेट से, यानी 960 रुपए, 160 यूनिट लगनी चाहिए 3 रुपए की रेट से, यानी 480 रुपए, यानी कि टोटल 400 यूनिट लगेंगी
स्टैंडर्ड के हिसाब से 1440 की 10% वेस्ट होगा, 400 का 10% 40, यानी कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगा 360 यूनिट का, यानी कि 360 यूनिट तैयार हुई 10% वेस्ट होने के बाद, यानी कि मेरे पास टेबल हो गई तैयार। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी है, स्टैंडर्ड लॉस के बाद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी है, स्टैंडर्ड प्राइस भी है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट भी है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल लॉस और एक्चुअल प्रोडक्शन भी है, एक्चुअल प्राइस भी दिए होते हैं, मल्टीप्लाई करके टोटल एक्चुअल कॉस्ट मैंने निकाल लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे जो वेरियंसेस पूछे हैं वो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस पूछा है, मिक्स पूछा है, एमएमबी पूछा है, एमएसयूवी पूछा है, लेकिन हम इसके अंदर सारे वेरियंसेस निकाल रहे हैं सो दैट कि हमारी कोई प्रॉब्लम बचे ना। ठीक है, तो इसमें ये वेरियंस मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा निकाल रहा हूँ, एनयूवी नहीं पूछा है, मैं तब भी सॉल्व करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन पर आ जाइए, जो हमारा फार्मूला है बेसिक उसी पर कवर करते हैं, लेकिन ध्यान देना हमारे फार्मूलाज में, अगर हम ध्यान दें कि हमारे पास एमसीवी और एमयूवी, मैंने आपको बताया था कि एमसीवी और एमयूवी ये दो वो वेरियंस है, एमसीवी और एमयूवी, जो कि बेस्ड है प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन अलग अलग होगा तो ये रिवाइज होंगे, ये दोनों क्या होंगे, रिवाइज होंगे, और प्रोडक्शन अलग अलग नहीं होगा तो रिवाइज नहीं। जबकि एमएमबी और एमएसयूवी ये दोनों रिवाइज होंगे टोटल क्वांटिटी पर, जितना हमने इनपुट किया है, जितना हमने इनपुट किया है 400 400। अब ये दोनों अगर सेम हैं तो इसके लिए मुझे रिवाइज फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे रिवाइज नहीं करना है, ना तो मटेरियल यील्ड वेरियंस और ना ही एमएमवी मटेरियल मिक्स वेरियंस भी को भी मैं रिवाइज नहीं करूंगा, सीधा आंसर आएगा। एमवाईवी को भी रिवाइज नहीं करूंगा, डायरेक्ट सीधा आंसर आएगा, क्योंकि क्वांटिटी सेम है, केवल प्रोडक्शन अलग अलग है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। एमसीवी फार्मूला क्या है, रिवाइज टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज कैसे करते हैं, रिवाइज प्रोडक्शन पर करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन 364, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 360, मल्टीप्लाई क्या चीज निकालना है हम, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी 1440, तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया है हमारे पास 1456। कितना आ गया बेटा, 1456 निकाल लीजिए, आ गया 1456। तो 1456 में से माइनस कर दीजिए एक्चुअल कॉस्ट 1496, 40 एडवर्स, देख लीजिए सब प्रॉपर तरीके। यदि ये प्रोडक्शन भी सेम होता तो फिर आंसर निकालने में हमें मेहनत नहीं करनी थी, सीधा 1440 में से 1496 डायरेक्ट हम माइनस कर देते, लेकिन यहां प्रोडक्शन अलग अलग है इसलिए हमने पहले इसको रिवाइज किया फिर कैलकुलेट किया। ऐसे ही एमयूवी, एमयूवी डायरेक्ट एसक्यू माइनस एक्यू, एसक्यू माइनस एक्यू इंटू एसपी कर देते, यही फार्मूला होता है, लेकिन रिवाइज करना पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन अलग अलग है, या 360 या 364, तो रिवाइज करेंगे 364 डिवाइडेड बाय 360, है ना, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल स्टैंडर्ड यील्ड अपॉन टोटल, मतलब ऊपर एक्चुअल नीचे स्टैंडर्ड और हर मटेरियल अलग अलग, ये दो है तीन होते तब भी ऐसे होता, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपके माइंड में एक बार कोई चीज सेट हो गई तो कैलकुलेशन है, अब वो प्रैक्टिस से अपने आप ठीक हो जाती है। 364 डिवाइड बाय 360 इंटू 240, 364 डिवाइड बाय 360 इंटू 160, तो ये हो गया 242.67, ये हो गया 171.77, तो 242.67 और ये 161.77, एक्चुअल तो रिवाइज होता ही नहीं है, 280 और 120 और स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपए और 3 रुपए। ध्यान देना रिवाइज नहीं करना पड़ता यदि ये दोनों सेम होते, तब 240 और 160 ही डायरेक्ट लिख देते, माइनस किया 4 की मल्टीप्लाई करी 149.32, माइनस किया 3 की मल्टीप्लाई की 125.31, ये कम है तो ये नेगेटिव हो गया यानी एडवर्स, ये ज्यादा है तो यानी कि पॉजिटिव हो गया फेवरेबल, ये नेगेटिव ये फेवरेबल, देख लीजिए यहाँ 31 है या 32 है, तो ये अप्रोक्सिमेशन सिस्टम है तो उसको 31 ही लिख देना ज्यादा बेस्ट होगा, जिससे कि ये नेट 24 निकल कर आ जाए। ठीक है, इसके बाद है हमारा एमपीवी, जिसमें कोई चेंज होता ही नहीं, ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट है, इसमें तो हमेशा एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू, बिना किसी कंफ्यूजन के एसपी माइनस एपी, एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस किया फेवरेबल, ये
नेगेटिव आ रहा है तो ये एडवर्स, 56, 72, नेट 16 एडवर्स। अब ध्यान दीजिए, एमपीवी और एमयूवी मिलाकर एमसीवी के बराबर होता है, तो इनका टोटल लिया ये 16 है, ये 24 है, टोटल करो तो 40। ठीक है, अब आगे एमएमबी, एक बात और बता दूं आपको, एमएमबी और एमएसयूवी इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये एमयूवी के बराबर होगा। एक चीज और सीख लीजिए बहुत अच्छी सी, एमएमबी और एमएसयूवी यानी कि सभी आंसर आपको अपने आप ही पता चलने लगेंगे। एमएमबी और एमएसयूवी अगर इन दोनों का टोटल लिया जाए तो ये एमयूवी के टोटल के बराबर आएगा। अब हमारे पास एमएमबी, एमएमबी फार्मूला है आरएसपीयू माइनस एक्यू इंटू एसपी, यही है ना। लेकिन ये जो रिवाइज होता है ये क्वांटिटी से रिवाइज होता है, किससे रिवाइज होता है, क्वांटिटी से, और क्वांटिटी सेम है हमारी 400 400, यानी कि यहां लिखा हुआ आरएसपीयू है लेकिन हमें यहां इसको रिवाइज करना ही नहीं है, यहां हमें आर की कोई जरूरत नहीं है, यहां हमें आर की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर एसपीयू टू लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, यहां भी आरएसक्यू वन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आरएसक्यू टू नहीं निकाल रहे हैं, यहां हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, यहां इसको रिवाइज करना ही नहीं है। ये जो फार्मूला है ये तब लगाना है जब टोटल क्वांटिटी अलग अलग हो, आप लगा भी लेंगे तब भी थोड़ी फर्क पड़ेगा, 400/400 सेम ही आएगा आंसर, आप रिवाइज करना चाहे कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है मैं तो रिवाइज करना है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूज हूं, तो रिवाइज कर लीजिए, आंसर सेम ही आ जाएगा, बस यह है कि तुम्हारा थोड़ा वर्किंग ज्यादा करनी पड़ेगी। तो वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी 240 160, एक्चुअल क्वांटिटी 280 120, माइनस किया 4 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि सीलिंग ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपए और 3 रुपए है, मल्टीप्लाई करा 4 से 160, मल्टीप्लाई करा 3 से 120, 160 एडवर्स है, नेगेटिव है, और ये फेवरेबल है, कुल मिलाकर 40 एडवर्स। ध्यान देना एमएमबी 40 एडवर्स है, एमएसयूवी, एमएसयूवी के लिए मैंने आपको बताया था ये वाला एसक्यू माइनस ये वाला एसक्यू, ये रिवाइज हो रहा है तो ये रिवाइज लेना है, ये वाला रिवाइज हो रहा है तो ये वाला रिवाइज, तो यहां पर आरएसक्यू वन या आरएसक्यू टू लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, यहां केवल आरएसक्यू लेना है आपको और यहां पर केवल एसक्यू लेना है आपको, या फार्मूला आप सेम ही रखिए, फार्मूला को चेंज मत करिए, उसी को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कीजिए, आंसर तब भी आएगा सेम ही आएगा, रिवाइज कर लीजिए उतना ही तो आंसर आना है। यानी कि रिवाइज जो हम एमयूवी से करते हैं उसमें से हमें माइनस करना होता है एमएमबी में इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिलहाल हमने एमएमबी में रिवाइज ही नहीं किया तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेम यूज होंगी 240 और 160, लेकिन यूजेस में चेंज हुआ था तो उसकी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी 242.67 161.77, माइनस करा मल्टीप्लाई की, माइनस किया मल्टीप्लाई की, ये पॉजिटिव है यानी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल है, दोनों फेवरेबल है, टोटल करा 16 फेवरेबल। ध्यान देना ये 16 है, ये 40 है, ये फेवरेबल है और ये एडवर्स है, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 24, और ये देखिए 24, और ये हमेशा आना है, पिछली वीडियोस भी अगर आप देखेंगे तो उन सबके भी आंसर मैच करेंगे, तो इस तरीके से आपके आंसर्स मैच हो जाएंगे, आगे भी क्वेश्चंस कोई भी करें सबके आंसर्स आपको पहले से पता है, एक नोट्स आपने तैयार कर लिया है, मेंटेन कर लिया है वीडियो देखकर, हमेशा जब भी वीडियो देखें तो पेन और एक नोटबुक हमेशा अपने पास रखें, कुछ खास खास बातों को हमेशा नोट करें, मैं क्या कह रहा हूं क्या सुन रहा हूं, क्योंकि आप बार बार देखेंगे तो कंफ्यूज ही होंगे, बार बार समय पर बर्बाद होगा ना आपका, तो कम समय के अकॉर्डिंग आपको नोट करते हुए चलना है सो दैट कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। तो एमएसयू भी आ गया, इसके बाद है एमवाईबी, ये बहुत आसान है, मैंने आपसे कहा था कि जो यील्ड होता है वो एक्चुअल में से स्टैंडर्ड घटाना होता है, वरना तो हमेशा स्टैंडर्ड में से एक्चुअल है, कोई भी फार्मूला देख लीजिए हमेशा स्टैंडर्ड में से एक्चुअल घटेगा, लेकिन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में हमेशा हम चाहते हैं कि जो एक्चुअल है वो ज्यादा होना चाहिए, तो एक्चुअल में से स्टैंडर्ड घटाओगे तब फेवरेबल आएगा, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल घटाएंगे तो फेवरेबल नहीं आएगा, तो हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन में से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन घटा दीजिए और स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहां क्वांटिटी सेम है 400 और 400, इसलिए प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन 364, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 360, 364 माइनस 360, 4 यूनिट का फायदा हो रहा है और हर यूनिट पर फायदा कितना है 1440 रुपए में 360 यूनिट, तो एक यूनिट कितने की, एक यूनिट हो गई 4 रुपए की,
4 × 4 ₹16 फैक्टर। क्या आप ऐसे कर सकते थे कि भाई 1440 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू 4 और यहां पर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते 4 और आंसर आया था 16। ठीक है, तो यहां से आप तो समझ सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से आप किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करें, यानी कि एमएमबी और ये एमएसयूवी एमवाईवी यही तो होता है ना, एमएसयूवी तो पहले से रिवाइज होकर आ रहा है। तो ये दोनों वेरिएंस किस पर बेस्ड है, क्वांटिटी पर। ये दोनों वेरिएंस बेस्ड हैं प्रोडक्शन पर, प्रोडक्शन अलग अलग तो ये रिवाइज होंगे, क्वांटिटी अलग अलग तो ये रिवाइज होंगे, और अगर अलग अलग नहीं है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्वांटिटी भी सेम प्रोडक्शन भी सेम, तो कभी भी रिवाइज लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपका आता चला जाएगा। तो बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन बेटा आप लोगों को लगातार मिलते रहे। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।